वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मुराद खान, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज के व्लॉग में जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारी गली में जो एक कैट है, स्ट्रे कैट। तो उसका जो है ना एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी पीछे की जो है ना दोनों टांगे इस तरीके से यूँ स्किन खुल गई है और उसके अंदर जो है ना कीड़े भी हो रहे हैं। तो हमने जल्दी से रेस्क्यू को कॉल कर दी। तो अभी जो है वो कह रहे हैं आप हमें वीडियो बना कर भेजो, तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ वो कैट की क्या कंडीशन है, उनको वीडियो भी बना के भेजते। अच्छा, ये वो बेबी कैट है जिसका एक्सटेंड हुआ है, मैं देख लेता हूँ ये जिंदा। हाँ, सांस तो इसकी चल रही है। और ये देखें, ये इसकी जो है टांग का जो है हाल हुआ है, देख सकते हैं। और इससे पहले भी जो है 2-3 दिन पहले हमारी गली में एक जो है कैट इसी तरीके से मरी एक्सीडेंट से, वो पर्शियन कैट थी। मैंने कहा ये भी मरे इससे पहले कि इसकी जो है कंप्लेन कर देते हैं। देखें, ये इसकी कंडीशन है, इसकी थोड़ा सा रिस्पॉन्स नहीं कर रही है ये। तो अभी जो है इसकी वीडियो हमने बना ली है और अभी उनको सेंड करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि उन्हें कितना टाइम लगे आने में, और उसके बाद जो है इस कैट को उनके हवाले कर देते हैं। गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं 10 बजे जो हमने उन्हें कॉल करी थी और तकरीबन 12 बजे है और अभी वो आ रहे हैं। तो आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, लेकिन बस दुआ ये है कि इंशाल्लाह बच जाए। और अभी जब मैंने इसको आके चेक करा तो मुझे लगा कि जो है ये मर चुका है, लेकिन इसकी जो अभी सांसें चल रही हैं। ठीक है आप लोग, तो अभी जब वो आ जाते हैं तो इसको रेस्क्यू करवा देते हैं हम। जी, डॉग बाइटेड? नहीं, हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है डॉग बाइटेड हो। लग तो ऐसा रहा है कि जो आपने पिक्चर भेजी थी उसमें लग रहा है। फ्लैश मारो मत। जी अच्छा, उम्मीद तो इंशाल्लाह बच जाएगा। डॉक्टर अच्छा भाई, तो कैट को इनके हवाले कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा अभी पेन में है और ये भाई आए हैं, इनका बहुत शुक्रिया है, ये इस ठंड में भी आए माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। चले, इसको लेकर जा रहे हैं। ओके, चले भाई, इसको इनके हैंड ओवर कर दिया और अब ये इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ठीक कर दें।